नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। हजारों अध्यापकों की उपस्थिति में मानस भवन में सम्मेलन संपन्न हुआ। इस दौरान बताया गया कि पेंशन परिवर्तन रैली 11 जून को निकाली जाएगी, जिसमें सभी जिलों में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रीवा के मानस भवन में विशाल अध्यापक शिक्षक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें संभाग भर से प्राध्यापक अध्यापक शिक्षकों ने भाग लिया। सम्मेलन में एक साथ अध्यापक संवर्ग के सभी प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों से हमने बात की। ऐसा है, ये धरना प्रदर्शन नहीं है हमारा, ये मध्य प्रदेश के जितने भी जनाधार वाले हमारे संवर्ग के संगठन हैं, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के, उनमें से 5 संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा अपना बनाया हुआ है और हम 5ों ने एक कार्यक्रम चाकआउट किया है। उस कार्यक्रम के तहत हम मध्य प्रदेश के समस्त संभागों में एक एक दिन की बैठक कर रहे हैं। ये आज हमारी संयुक्त बैठक है जो आपके रीवा संभाग में आयोजित होने जा रही है। इसके बाद हम 11 जून को प्रत्येक जिले में, जिला मुख्यालय में अपनी एक रैली करेंगे और इसके बाद हमारे आगे के संभाग हैं, इंदौर है, ग्वालियर है और आगे कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। हमारी 11 सूत्री मांग को लेकर के ये हमारा कार्यक्रम चाकआउट हुआ है। हमारी सबसे पहली जो मांग है वो है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए अध्यापक संवर्ग के सेवा अवधि की गणना उसके प्रथम नियुक्ति दिनांक से करते हुए उसकी वरिष्ठता मान की जाए। मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल शिक्षा विभाग की जगह एक दूसरा प्रकोष्ठ उसका बना दिया, राज्य शिक्षा सेवा। हम लोग 25 वर्षों से लड़ रहे थे मूल शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए, तो संविलियन तो नहीं किया, राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति कर दी, जिससे 1 जुलाई 2018 के पहले की जितनी हमारी वरिष्ठता थी वो शून्य हो गई, उसको गणना से बाहर कर दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संवर्ग की क्रमोन्नत नहीं हो पा रही है। राज्य शिक्षा सेवा में उन्होंने कहा था कि नियमित शिक्षकों के भांत सुविधाएं मिलेंगी, तो ग्रेजुटी का लाभ नहीं हो पा रहा है, पुरानी जो पेंशन है वो हमको नहीं मिल पा रही है, अनुकंपा नियुक्तियों में इतने नियम लगा दिए हैं कि अनुकंपा की जगह वो योग्यता हो गई है, तो इन सब के विरुद्ध। और एक सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो है रीवा संभाग के अंदर, रीवा और सतना, इन जिलों में हमारे लगभग 700 के लगभग हमारे साथी हैं जिनकी राज्य शिक्षा सेवा में बेवजह नियुक्तियाँ रोकी गई हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ हों, ऐसी 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम हमारा जो हो रहा है उसमें आज हम रीवा संभाग में हैं। इसके बाद हम अगले आगे बढ़ेंगे। अगर मौजूदा सरकार में आपकी बातें नहीं सुनी जाती तो आप सरकार बदलने पर मजबूर होंगे क्या? देखिए भैया, हमें एक बहुत साफ बात बता दें, हमारा जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है मीडिया हमसे केवल ये पूछता क्या आप सरकार बदलेंगे। हम बार बार कह रहे हैं हम सरकार बदलने के लिए, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं निकले हैं। हमारी जो व्यवस्था गलत है सरकार की, सरकार के ऊपर जो अफसरशाही हावी है, मुख्यमंत्री जी बोलते कुछ हैं, अधिकारी करते कुछ हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं। सत्ता परिवर्तन काम आम जनता का है, हम तो चुनाव में वोट डलवाने चले जाएंगे, पेटी ढोएंगे, मशीन ढोएंगे, सत्ता परिवर्तन आम जनता जाने, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। इससे शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होती आपकी बैठकों से? आप सब मीडिया से जुड़े लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है ये। इस समय गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं और गर्मी की छुट्टी है इसलिए हम आज यहाँ पर वर्किंग डे जो 7 तारीख है उसमें है, हमारा हर कार्यक्रम रविवार को होगा। हम कहीं से भी, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो हमारा सिद्धांत ये है कि पहले हमारा कर्तव्य हो, इसके बाद। मैं एक चीज़ बता दूँ, हम लोग तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन 3 चीज़ों में हड़तालें नहीं होनी चाहिए, इनमें यूनियन नहीं होनी चाहिए, हम हर चीज़ में सरकार के साथ हैं, पर इसके लिए सरकार को भी हमारे साथ होना होगा। सरकार हमारा दोहन करे और इसके बाद हमसे पूछा जाए कि आप हल्ला आंदोलन क्यों कर रहे हो। आप बताइए, यदि हम हल्ला मचाने में, रोने में वातावरण में प्रदूषण होता है पर कोई हमको मारा है और हम रोएं भी ना, ये नहीं होता। यदि मारोगे तो रोना तो पड़ेगा जी। ये कई वर्षों से आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो मांगे हैं वो अभी तक नहीं पूरी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग 25 वर्ष हो गए हमारी सेवाओं को, 25 वर्ष से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातों को सरकार के सामने रखते हैं और कहीं ना कहीं सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की सरकारें, और सत्ता में बैठे लोग संवेदनशील होते हैं। दिक्कत ये होती है कि जिन वर्षों में अफसरशाही सत्ता के ऊपर हावी हो जाती है उस समय जो आदेश होते हैं वो हमारी सेवाओं के, हमारे जो सुविधाएं हैं उनके प्रतिकूल होते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, हम 2007 में जब शिक्षाकर्मी संविदा और गुरुजी से अध्यापक बने थे, हमारी सेवाएं बढ़िया निरंतरता में हुई थी, हमारा वेतनमान अच्छा हुआ था, पर अब जो हो रहा है उसमें ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर अधिकारी हावी हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, सरकार ऐसा, हमारे अधिकारी आदेश कुछ और कर रहे हैं।
ये स्थितियां पैदा हो रही है। तो जब जब सत्ता के ऊपर अफसरशाही हावी हुई है, नुकसान दोनों का हुआ है, कर्मचारियों का भी और सरकार का भी। क्या नाम है? मैं राकेश दुबे हूँ, शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांताध्यक्ष हूँ और मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा बना है उसका मैं सदस्य हूँ। मेरे साथ में जो बैठे हुए हैं आप राज्य शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष सम्मानी राकेश नायक जी हैं, अभी हमारे 3 प्रांताध्यक्ष रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं।